कंगना रनौत को हरामखोर कहने वालों को कंगना ने सवाल जबरदस्त जवाब दे दिया है। कंगना ने कहा, डिक्शनरी में देख के पता चला कि हरामखोर का मतलब मुफ्तखोर होता है। मैं तो 20 करोड़ रुपए टैक्स दे रही हूँ सरकार को, सरकार की कमाई की में मेरा भी मेरी हिस्सेदारी है। मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहती हूँ कि मुझे आप साबित करो कि आप मुफ्तखोर नहीं हो, आप मुफ्तखोर हो। संजय राउत के आपने एक भी रुपया दिया है राज्य को जो आप मुझे मुफ्तखोर कहते हो? और ऐसी ही एक से बढ़कर एक बातें कंगना ने की, मैं आपको बताऊंगी। तो कंगना कह रही हैं कि मुझे जब मुझे पता हरामखोर कहा गया तो उसके पहले मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने हरामखोर वर्ड को गूगल किया, उसका मतलब निकाला तो सॉरी मतलब आया मुफ्तखोर, हराम की रोटी तोड़ने वाला। हरामखोर का मतलब होता है हराम की रोटी तोड़ने वाला। उस पर वो कहती हैं कि मैं लगभग 20% अपना कमा 20 करोड़ रुपए मैं लगभग टैक्स दिया मैंने पिछले साल, और मैं हाईली पेड एक्ट्रेस हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 20-25 का मेरा स्टाफ है, शूटिंग के लिए जाते हूँ तो 200 लोग वहाँ पर काम करते हैं, हज़ारों लोग थिएटर जहाँ पर पिक्चर रिलीज होती है वहाँ काम करते हैं, इतने लोगों के रोज़गार के ज़रिए में मैं शामिल हूँ, तो मैं हरामखोर कैसे हूँ? मैं तो इनको मैं खुद तो कमा ही रही हूँ, आपको टैक्स तो दे ही रही हूँ, इतने लोगों को रोज़गार दे रही हूँ मैं। उन्होंने कहा कि आप 43-45% के ब्रैकेट में टैक्स दे रही हैं, टैक्स दे रही हैं। तो वो कहती है कि इतना मेरी एक आप इतना मैं कमा रही हूँ, मेरी इतनी हैसियत है, आपकी क्या हैसियत है? संजय राउत, एक रुपया भी कमाने की हैसियत है आपकी? सीधा सवाल पूछा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इंस्टेंट ये आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्तखोर आप हैं उद्धव ठाकरे जी, आप मुझे बताएं कि आप मुफ्तखोर कैसे नहीं हैं? आपने तो मुफ्त में विरासत में अपने बाप की कुर्सी पाई है, अपने बाप की शिवसेना पाई है, अपने बाप का पैसा पाया है, खाली नहीं पाया है तो बाप की वो हिंदुत्व और न्याय वाली छवि जो उनके पास थी, उन्होंने खुद ही कहा था कि वो नहीं रहेंगे तो शिवसेना कांग्रेस बन जाएगा। ये तो आज बाला साहब ठाकरे भी पछता रहे होंगे अपने बेटे की इस कोर्ट पर दुर्दशा देख करके, उनको लग रहा होगा कि उन्होंने क्यों ये बात कही, और एक नहीं कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात उस दौर में कही थी। तो उन्होंने कहा वो अपने भाई की शादी के लिए मनाली में है, जल्दी मुंबई आएंगी, और उद्धव ठाकरे से सीधा सवाल पूछा है कि आप मुफ्तखोर कैसे नहीं है, मुझे ज़रा बताओ कितने रुपए का काम किया है, कभी दिया है स्टेट को एक भी रुपया? बताओ क्या सोचते हैं आप इस बारे में, ज़रूर बताएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।